मंडी में हुए राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सुंदर मार्च पास्ट की सलामी ली। खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कुल्लू में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। सलामी मंच में मुख्य अतिथि को सैल्यूट करते हुए सीमा पुलिस सब इंस्पेक्टर देवेंद्र गोलेरिया की अगुवाई में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ी अब सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा के मंत्र पर कायम रहने वाले ये जवान सीमाओं हैं। एनसीसी एयरविंग कॉलेज कैडेट सार्जेंट आनंदिनी के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर गुजर रहे। सादर आग्रह, सादर निवेदन, जिला स्तरीय शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने ऊना में तिरंगा फहराकर सुंदर परेड की सलामी ली। सोलन में प्लेटून कमांडर जसवीर सिंह की अगुवाई में सलामी मंच की तरफ बढ़ रही है होमगार्ड की टुकड़ी। सलामी मंच के सामने से कंधे से कंधा मिलाकर गुजर रही है कैडेट सौरभ की अगुवाई में एनएसएस कॉलेज की टुकड़ी है मोनिका। सोलन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा मौजूद रहे। उन्होंने ध्वजारोहण कर सुंदर मार्च पास्ट की सलामी ली। स्काउट्स एंड गाइड्स बेहतर संचालन सहायक उप निरीक्षक त्रिशा देवी के हाथों में होमगार्ड प्लाटून कमांडर दली की अगुवाई में इसके बाद एनसीसी गर्ल्स की टुकड़ी। बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। महिला होमगार्ड की टुकड़ी जिसके कमांड हमारे हैं प्लाटून कमांडर सनीता देवी जी मंच से सलामी देते हुए। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हमीरपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की और ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। होमगार्ड की टुकड़ी के प्लाटून कमांडर राकेश कुमार ऋतिक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर एनसीसी के परेड कमांडर अभिषेक टुकड़ी की अगुवाई करते हुए कांगड़ा जिला के धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर मौजूद रहे। उन्होंने तिरंगा फहराकर सुंदर परेड की सलामी ली। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल मौजूद रहे। उन्होंने तिरंगा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली। महिला होमगार्ड की टुकड़ी जिसके कमांड हमारे हैं प्लाटून कमांडर
सविता देवी जी मंच से सलामी देते हुए और इसके बाद सभी उपयोगदार तालियां बजा है हमारे सभी के लिए जवानों के लिए एनसीसी गर्ल्स के टुकड़े मंच के सामने से सलामी देती हुई जिसके कमान संभाले हैं कुमारी चेतना कौशल इसी तरह चंबा में कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सुंदर मार्च पास्ट की सलामी ली। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश महिला पुलिस का ये दस्ता महिला गृह रक्षकों का ये दस्ता मंच के सामने से मिले और इसके बाद साउथ एंड गाइड्स विभिन्न जिला संवाददाताओं के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज शिमला।